कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां चोर एक घर में घुसे, चोरी की, फिर घर में ही मटर पनीर स्वीट डिश आई, जमकर पार्टी भी की गई। देखिए रिपोर्ट। चोरों ने पहले चोरी की, फिर पार्टी शुरू कर दी। देखिए, इस घर में पहले चोरी हुई, फिर जमकर पार्टी की गई। कानपुर में चोरों की ये करतूत देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मामला कानपुर के रावतपुर थाने इलाके का है, जहां पॉश एरिया आवास विकास इलाके में पसरे सन्नाटे का चोरों ने फायदा उठाया। पहले चोर एक घर में घुसे, उसके बाद घर में चाय बनाई, मशरूम खाया, फ्रिज से निकालकर बटर भी साफ कर दिया। इतना ही नहीं, मिठाई के साथ साथ पूरा नाश्ता भी किया गया, फिर अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए लेकर निकल गए। दरअसल जिस घर में चोरी हुई, वो पूरा परिवार अस्पताल गया हुआ था, जिसकी सूचना चोरों को पहले से ही थी, और इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने फुर्सत से घर में बैठकर चोरी भी की और घर का खाना भी खाया। नहीं, मैं शक तो मुझे नहीं, लेकिन 3 से 4 लाख तक का मेरा सामान गया है, 4K स्मार्ट टीवी मेरा चला गया, और भी अभी मैंने कुछ चेक नहीं किया है, जब चेकिंग करूंगी घर की तब बता पाऊंगी। चोरी भी की और खाया इत्मीनान से करके। जी जी जी, नाश्ता रखा हुआ था, वो सब किया, और किचन में भी जाके खूब फैलाव फैलाया, मैंने अभी देखा भी नहीं है कि क्या क्या और किया। नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो मैं खुद ही नहीं सोच पा रही हूँ कि ये कैसे हो गया। चोरों के इस नए तरीके से पुलिस भी परेशान है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं कानपुर में हो चुकी है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। घर के परिजन थे, वो अस्पताल में थे किसी एक अन्य व्यक्ति के इलाज को लेकर के। जब वो वापस आए तो उन्हें जानकारी मिली, और उन्होंने जो अपने घर को देखा तो वहाँ पर उनका टीवी, कुछ ज्वेलरी और अन्य सामान गया था, और वहाँ पे जो ये बात भी सामने आई कि जो चोर वहाँ पर रुके, उन्होंने कुछ खाना पीना भी खाया है। इस पूरे प्रकरण पर तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो मोबाइल गए हैं उनके लिए सर्विलांस टीम को सूचित कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चोरी की इस वारदात की चर्चा पूरे कानपुर में हो रही है। हर कोई हैरान है जिस तरह चोरों ने चोरी की और फिर पार्टी की। लोग अब इन चोरों के गैंग को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील कर रहे हैं। चोरों ने चोरी का एक नया फॉर्मूला निकाला। जिसके घर चोरी करने गए, पहले खाया मटर, फिर खाया मशरूम, फिर खाया बटर, और फिर बनाई चाय, और घर में कटर मंगाकर सब कुछ चोरी कर लिया। लाखों के जेवरात, सोना और नकदी लेकर फरार हुए। सर, न्यूज 18 टीम उसी घर में, आप देख सकते हैं कि तालों को किस तरह ये तोड़ा गया। दरवाजे के बाद एंट्री की गई, और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पूरे घर का सामान किया है, इसकी गृहस्थी पूरी खराब कर दी। यहाँ तक कि किचन की बात करें, किचन में गए, खाना बनाया, देखिए मैक्रोनी पड़ी है, मशरूम है, उसको निकाला, चाय बनाई, इसमें इन्होंने चाय बनवाई, और ये देखिए इनकी सब्जी पड़ी है, सब्जी को तक, मशरूम मटर की सब्जी तक खा गए। देखिए देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि मशरूम मटर की सब्जी, इसको भी ये लोग खा गए। मतलब घर का सारा सामान चोरी किया, और खाना उसके लिए, आप देख सकते घर का सामान कैसे तितर बितर पड़ा हुआ है, सारे जेवरात नकदी इनकी सारी गृहस्थी को तबाह कर गए। उसके बाद से अगर पुलिस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ पूछताछ में लगे हैं, और क्योंकि ये घटना अभी कुछ देर पहले हुई है, इसलिए पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और एक एक करके पूछताछ कर रहे हैं, और अभी फील्ड यूनिट थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। अब देखना ये होगा कि जब पुलिस की जाँच समाप्त होगी या पुलिस उन अपराधियों तक पहुँचेगी, तब जाके पता चलेगा कौन मंसूबा था क्या, कि चोरी के साथ साथ घर का खाना भी खा के भाग गए चोर। बिजनेस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। मेरठ में एक कपड़े की दुकान में 12 फीट के अजगर ने डेरा बना लिया है। बड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया, लेकिन जितनी देर उसकी रेस्क्यू में लगी, उसने तब तक बहुत दहशत पैदा की। अजगर ने मचाई दहशत, दुकान के अंदर बनाया डेरा। मेरठ के लाल कुर्ती बाजार इलाके की एक कपड़े की दुकान में ये 12 फीट का अजगर कब दाखिल हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन जब इसे लोगों ने देखा तो वो डर जरूर गए, जिसके बाद तो कपड़े की दुकान में अफरा तफरी मच गई। अजगर ने ऐसी जगह अपना ठिकाना बनाया था कि जहां से वो आसानी से पकड़ में नहीं आ सकता। वो कोट और ब्लेजर वाले शेल्फ में छिपा हुआ था। अजगर कभी कपड़ों के पीछे जाकर छिप जाता है,
तो कभी वो सीलिंग फैन के पास रेंगने की कोशिश करने लगता जहां वो बार बार अपनी जीभ को बाहर निकाल रहा था। उसका आधा हिस्सा कपड़ों में छिपा था तो आधा बाहर की तरफ निकला था। दुकानदार की नजर सबसे पहले अजगर पर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। सवाल एक ही था कि आखिर एक विशालकाय अजगर कैसे दुकान में आया और कब से वो दुकान के अंदर मौजूद है। दुकान में काम कर रहे कर्मचारी और वहां पर आए तमाम ग्राहकों के कान में अजगर के होने की खबर पड़ चुकी थी। जब अजगर को देखा तो सभी सहम गए। अब अजगर को बाहर तो निकालना ही था, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, लेकिन अजगर बार बार अपनी जगह को बदलता जा रहा था। बाद में वन विभाग की टीम दुकान पर पहुंची और अजगर को पकड़ने की कोशिश करने लगी। अजगर ब्लेजर के निचले वाले शेल्फ में दीवार के साथ चिपका मिला। एक एक कर ब्लेजर्स को हटाया गया, इतने में अजगर के शरीर का एक हिस्सा जोर से नीचे गिरा, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी सतर्क हो गए। बड़ी सावधानी से स्टिक की मदद से अजगर पर काबू पाया गया। एक कर्मचारी ने अजगर के अगले हिस्से को दबोच लिया। अजगर इतना भारी था कि उसे तीन लोगों ने उठाया और बाद में उसे बोरे में डाल दिया गया। वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक पास ही आबू नाला है। पूरी संभावना है कि अजगर वहीं से आया होगा। ये पहली बार नहीं है जब इलाके में अजगर देखा गया हो। इससे पहले भी बीते दिनों मिलिट्री फार्म के पास रिहायशी इलाके में अजगर आ गया था। मेरठ से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज 18 के साथ।